नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार ऑन न्यूज में ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा। प्रथम पुण्यतिथि पर स्वर कोकिला लता मंगेशकर को दी गई श्रद्धांजलि। जिले का प्रतिष्ठित सांस्कृतिक चेतना का प्रतिनिधि मंच स्वर्ण कला केंद्र ने सोमवार को आवासीय सनबीम पब्लिक स्कूल के प्रांगण में भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के शुरुआत में संस्था के संरक्षक प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस पी प्रसाद एवं शिक्षाविद राजीव रंजन सिन्हा ने लता मंगेशकर के तैलचित्र के पास अखंड ज्योति जलाई एवं पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। अपने संबोधन में डॉक्टर प्रसाद ने लता के जीवन पर प्रकाश डाला। कला केंद्र डेयरी द्वारा सनबीम पब्लिक स्कूल के प्रांगण में लीजेंड सिंगर स्वर समाधि लता मंगेशकर जी की प्रथम पुण्यतिथि मनाई जा रही है। अब दो लोग हैं ना, उन्हें शिद्दत से याद किया जा रहा है, क्योंकि फिल्म जगत में उनका एक जो मुकाम है वो भुलाया नहीं जा सकता है। आज हमारे बीच लता जी नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज़ जैसा कि हमारे सोन कला केंद्र के स्वर कोकिला प्रीति सिन्हा ने कहा, हम रहें न रहें। तो ये गूंज रही है उनकी आवाज़ कानों में, और हम लोगों के बीच ये जितने लोग हमारे संस्था के लोग हैं आज इस पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, और ये पूरा समाज, ये पूरा देश आज उन्हें शिद्दत से याद कर रहा है। धन्यवाद। उन्होंने बताया कि उनके बचपन का नाम हेमा था। उन्होंने 36 भाषाओं में गाने गाए। उनके पिताजी के देहांत जब वो 13 वर्ष की थी तब हो जाने के कारण परिवार की सारी जिम्मेवारियाँ उनके कंधों पर आ गई। वह अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उनका जीवन संघर्ष से भरा था। वर्ष 1949 में फिल्म महल में आएगा आने वाला गीत गाया तो सफल रहा। ये मेरे वतन के लोगों गाने जब नेहरू जी के आंख भर आए। वर्ष 2001 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया। इसके उपरांत स्कूल की छात्राएं ऋतु संजना, शिवांगी, साफिया, रोशनी, सताक्षी, मिल्खा वैष्णवी, रितिका एवं स्कूल की शिक्षिका सुखंता, शिक्षक निकेश पाठक ने लता के गाने पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सर थोड़ा सा आवाज आ रहा है। हाँ, क्या कहेंगे और गीत गाएंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि लता जी भले ही हम सबके बीच ना हों, पर हमेशा सिर्फ आर्टिस्ट के ही नहीं कह सकती, सबके बीच हैं, क्योंकि वो एकदम साक्षात सरस्वती का वो अवतार है, देवी हैं। सो हम लोग श्रद्धा से आज उनका श्रद्धांजलि प्रथम पुण्यतिथि मनाएं, और हमारे दिल में हमेशा उनके लिए जगह रहेगा, श्रद्धा रहेगा। इसी तरह आगे भी हम लोग उनके लिए मनाते रहेंगे उनका श्रद्धांजलि। सो मैं यही कहूँगी कि रहे ना रहे हम महका करेंगे, बनके कले बनके सबा बागे वफा में, रहे ना रहे
सो नहीं हैं, फिर भी हमेशा हम सबके साथ हैं और हमेशा उनकी आवाज़ खुशबू की तरह हम सबके बीच फैली हुई है। धन्यवाद। मेरी आवाज़ ही पहचान है, प्रीति सिन्हा ने गया तो वही राजू सिन्हा एवं कुमार बीरेंद्र ने भी उनका साथ दिया। कार्यक्रम में संस्था के महिला प्रकोष्ठ की अनुभा सिन्हा, डॉक्टर सीके आनंद, डॉक्टर राकेश पारस प्रसाद, आनंद कुमार सिंह, राजीव सिंह, जयप्रकाश मौर्य, भोला दास, महेंद्र राम, उदय गुप्ता, टुनटुन आदि उपस्थित थे। आज के लिए बिहार और न्यूज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।